क्या कर्नाटक में हनुमान भक्त मुकेश पर हमला करने वालों को कांग्रेस सरकार बचाने में लगी है? क्या कर्नाटक में हिंदुओं पर अटैक करने वालों को बचाने की कोशिश हो रही है? कर्नाटक की पूरी कहानी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आज की सबसे बड़ी तस्वीर। संडे जो घटना हुई उसमें अगर मुझे कुछ ज्यादा हो जाता, मैं मर जाता तो कौन जवाबदारी लेता था? ये लोग सड़कों पे नमाज पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर कोई नहीं देखता। हम अगर अपने घर में और अपने दुकान में भी अगर हमने अराज्य का नाम नहीं ले सके तो हम क्या भारत में रह रहे हैं या पाकिस्तान में? And the state, instead of supporting the victim, giving him justice swiftly, places the victim under house arrest. पूछना चाहती हूँ सिद्धरमैया को, ये किसके सरकार है? आपको हिंदू वोट नहीं डाला है क्या? आगे के दिनों में अगर ये चीज नहीं मानेंगे तो ये जो है अपना आंदोलन है ये आगे और बढ़ेगा। इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं हो, कड़े सेक्शन के अंदर इनके ऊपर वो केस दर्ज किया जाए। तो बेंगलुरु में आज कई हिंदू संगठन सड़कों पर उतरे, हाथों में भगवा झंडे लिए हुए थे, सैकड़ों लोग सड़क पर नारे लगा रहे थे। उन्होंने सड़क पर ही हनुमान चालीसा का पाठ किया। हनुमान चालीसा से गूंज उठा पूरा इलाका। आखिर ये वही जुमा मस्जिद रोड है जहां रविवार को हनुमान चालीसा भजन पर मुकेश से मारपीट हुई थी। सबसे पहले आप दो तस्वीरें देखिए, दोनों बेंगलुरु की मस्जिद गली की तस्वीरें। एक रविवार का वीडियो याद करिए जब हनुमान चालीसा बजाने पर मुकेश को अदमरा करके बहुत बुरी तरह पीटा गया था। पूरी शक्ति के साथ इन बदमाशों से वो अकेला भिड़ गया था। आज उसी मस्जिद गली में सैकड़ों हनुमान भक्तों का हुजूम उमड़ा। हाथ में भगवा पताके लिए इन लोगों ने उसी मस्जिद गली में शांतिपूर्ण तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ किया। हिंदू संगठनों की मांग है कि पुलिस बाकी बचे एक आरोपी को जल्द गिरफ्तार करे। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस सरकार आरोपियों को बचाने की कोशिश में, इसलिए उन्हें गिरफ्तार करने में देरी हो रही है। इस विरोध प्रदर्शन में बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या भी शामिल हुए, लेकिन कर्नाटक पुलिस ने तेजी दिखाते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया। तेजस्वी सूर्या ने आरोप लगाया कि मुकेश पर हमला करने वाले सभी आरोपियों को कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के मंत्री दिनेश गुंडू बचाने में लगे। क्या कर्नाटक में हनुमान भक्त मुकेश पर हमला करने वालों को कांग्रेस सरकार बचाने में लगी है? क्या कर्नाटक में हिंदुओं पर अटैक करने वालों को बचाने की कोशिश हो रही है? ये गंभीर आरोप बीजेपी के जो कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर लग रहे हैं। लेकिन उससे पहले कर्नाटक के बेंगलुरु की ये तस्वीर देखिए। ये बेंगलुरु की वही मस्जिद गली है जहां 48 घंटे पहले हनुमान चालीसा बजाने पर आरोपी सुलेमान, शहनवाज और दानिश अपने गैंग के साथ मुकेश पर टूट पड़े थे। एक हनुमान चालीसा बजने से इन लोगों को इतनी परेशानी थी, लेकिन आज सैकड़ों हनुमान भक्तों का हुजूम उसी गली में मौजूद था और पूरा इलाका हनुमान चालीसा से गूंज रहा था। चारों तरफ
भगवा नारे और भगवा पताका लहरा रहे थे। कर्नाटक के बेंगलुरु में सड़कों पर उतरे हिंदू संगठनों का आक्रोश देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बेंगलुरु में एक हिंदू दुकानदार के साथ जिस तरह से ज्यादती हुई है उसके बाद कर्नाटक की जनता खामोश नहीं बैठने वाली है। रविवार को मुकेश के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों में 5 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद आज हिंदू संगठनों ने मुकेश की दुकान जहां उसके साथ हनुमान चालीसा चलाने पर मारपीट की गई थी उसी जगह से शांतिपूर्ण जुलूस निकाला। जुलूस में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल थे। उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। ये जो जियादी गैंग है इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई जाए और कड़े सेक्शन के अंदर इनके ऊपर वो केस दर्ज किया जाए और जेल भेजा जाए। जब तक जितने भी आरोपी है उन सबको अरेस्ट नहीं किया जाता है तब तक हम वो इसी प्रकार से है वो अपना प्रकटन कर कोशिश करेंगे। विधानसभा में नारे लगते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, कभी सड़कों पे, कभी घरों में। घर आज तो इनकी इतनी हद हो गई कि घर में आ गए। हमें अरेस्ट से मतलब नहीं है, आगे से इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। हमने हथियार रखे जरूर है, चलाने नहीं भूले। हम उनकी भाषा में जवाब देना चाहते हैं। दुकान में बैठे हुए आदमी के साथ अगर हनुमान चालीसा का खिलाफ करते हैं और श्री राम जी का खिलाफ है तो हम लोग इस आंदोलन को जो आज शांतिपूर्वक जो हम लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ के साथ शुरुआत किया है आगे के दिनों में अगर ये चीज नहीं मानेंगे तो ये जो है अपना आंदोलन है ये आगे और बढ़ेगा। आरोपियों को पकड़ने में पुलिस शायद उतनी मुस्तैद नहीं दिखी थी जितनी तैयारी कर्नाटक पुलिस ने हिंदू संगठनों को रोकने के लिए की हुई थी। बेंगलुरु में बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। तेजस्वी सूर्या ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कर्नाटक सरकार इन आरोपियों का बचाव करना चाहती है। केंद्रीय मंत्री शोभा करण लाजे और बीजेपी विधायक एस सुरेश कुमार उन लोगों में शामिल थे जिन्हें पुलिस ने एहतियातन हिरासत में ले लिया। टू वीक्स अगो देर वॉज अ बॉम्ब ब्लास्ट, अ वीक बिफोर दैट देर वर पाकिस्तानी जिंदाबाद स्लोगन्स एंड टुडे यू हैव दीज अनप्रोवोक्ड अटैक ऑन शॉपकीपर्स। What message is this government trying to give? Why is it that whenever the Congress party comes to power, elements like these who want to create disturbance and disharmony in the society, why do they feel emboldened? And why is it that cabinet ministers like Mr. Dinesh Gundurao come in the defense of the accused and do not stand up for the विक्टिम्स जस्टिस? पूछना चाहती हूँ सिद्धारमैया को, ये किसके सरकार है? आपको हिंदू वोट नहीं डाला है क्या? 135 सीट्स आपको कैसे आया? हिंदुओं का अपमान करना ये लगातार इधर चल रहा है। अभी अभी वीडियो देख रहा था, तलवार लेके बेंगलुरु में आरटी नगर में घूमते हैं, कोई कार्यवाही नहीं होती है। ये केवल अल्पसंख्यकों को रक्षा करने वाले सरकार है, हिंदुओं के खिलाफ चलने वाले सरकार कर्नाटक में चल रहे हैं।